अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HSC नीट बेस स्कॉलरशिप 2021 के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको जो स्कॉलरशिप है इसकी डिटेल के बारे में मैंने बात की थी, इसका जो क्राइटेरिया था और उसमें जो आपने मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह क्या थे, ठीक है, उसकी लास्ट डेट क्या थी, उसके बारे में मैंने बात की थी। लेकिन आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपने सिंपल जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो अभी मैं टाइम ज़्यादा नहीं करता आपका, ये सब कुछ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप खुद यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप एक दफ़ा पढ़ लेना, रिक्वायर्ड अकाउंट भी आप खुद ही पढ़ सकते हैं क्या कुछ चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया था कि देखिए हमारे पास पहले ट्वीट मौजूद थी, किसी जो है पोर्टल है वो क्लोज था एंड इसकी जो लास्ट डेट थी वो हमारे पास 30 सितंबर थी, सॉरी जिसकी डेट थी ओपन होने की वो 30 सितंबर थी, मतलब आप 30 सितंबर के बाद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो है आपने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है, ठीक है। तो आज 1 अक्टूबर हो गई है तो अभी मैं आपको बताता हूँ। हमने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर अप्लाई एप्लीकेशन, ठीक है, जो भी ये लिखा था, क्लिक हियर फॉर HSC स्कॉलरशिप पोर्टल लिंक, ठीक है। अब जैसे ही ये लिंक ओपन होता है तो हमें सबसे पहले इसमें अपने आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो रजिस्टर करने के लिए सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, एकदम ये पेज खुले तो ये हमारे पास जो उनका एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, ये हमारे पास इसका पेज ओपन हुआ है। खुल गया भाई, किधर मर गया। तो देखिए हमारे पास इस तरह का जो है इसका ये एक हमारे पास ओपन हो गया पेज, ठीक है। और अभी आप इसमें अप्लाई करने के लिए हम सिंपल यहाँ पे जो लिखा हुआ हाइट अप्लाई, हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो जो ऑब्जेक्टिव क्या है आप यहाँ पे क्लिक कर इसे कर सकते हैं। इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। एंड हाउ टू अप्लाई के लिए हमें इस पर क्लिक करना पड़ेगा। एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वाला जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हम आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आप चाहें तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं हाउ टू अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ। एंड ये हमारे पास अप्लाई हाउ टू अप्लाई मैंने क्लिक किया था तो हमारे पास देखें हमारे पास जो है ये भी पोर्टल अप्लाई सॉरी ओपन हुआ है। तो यहाँ पे किया लिखा हुआ है ऑल स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू फॉलोइंग HSC ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, मतलब जो HSC का ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है इसके थ्रू हमने अप्लाई करना है, ठीक है। इसके लिए हम सिंपल sas.hsc.gov.pk पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, सॉरी क्लिक करेंगे। एंड जो पेज अभी हमारे पास ओपन होगा उस तरह का ही हमारे पास एक पोर्टल ओपन होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने जो है अपना जो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो हमें यहाँ पे साइनअप करना पड़ेगा अप्लाई के लिए। आपको जैसे हम साइनअप करते हैं, ठीक है, इसको मैं मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप अपना आईडी कार्ड वगैरह लिखे, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना पूरा नाम लिखना है, ठीक है, जैसे मेरा नाम उमर फारूक तो मैं आप लिखूँ उमर, यहाँ पर लिखूँगा फारूक, नेशनलिटी मेरी पाकिस्तानी है, यहाँ पर अपना आईडी कार्ड लिखूँगा मैं 36102 वाला, ठीक है। डैशेज यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं है, तो मैं ये सारा कुछ यहाँ पे इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं पहले ही अपना अकाउंट बना चुका हूँ, ठीक है। मैं तरीका आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे अपने पासवर्ड, ठीक है, जो पासवर्ड है ये आपने मतलब अगर आप सिंपल पासवर्ड लगाएंगे जैसे आप मैं लगाता हूँ उमर 123 तो जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पासवर्ड वो लगाना है जो सजेस्टेड होगा, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे अपना डाटा वगैरह देंगे तो यहाँ पे जो है ना सजेस्टेड पासवर्ड जो है वो खुद ही आपके पास शो होगा, ठीक है, तो आपने वो लगा लेना, ठीक है। यहाँ पे अपने कन्फर्म पासवर्ड वही लगाना है एंड अपने यहाँ पे फोन नंबर लिखना है, यहाँ पे ईमेल लिखनी है, ठीक है। अब एक बात बहुत जरूरी है कि आपने जो फ़ोन नंबर और ईमेल लिखना है वो लिखना जिस वक्त आपके फ़ोन में मौजूद है, ठीक है। जैसे मैंने इसमें अप्लाई किया था तो मेरे पास जो मैंने फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखा था उस नंबर पर एक वेरीफिकेशन कोड आया था और जो मेरी ईमेल थी उस पर भी एक वेरीफिकेशन कोड आया था, ठीक है। उन दोनों कोड्स को मैंने इसके बाद जो मेरे पास पेज ओपन हुआ था, ठीक है, मैंने वहाँ पर जो था मैंने वहाँ पे लिखने पड़ते, ठीक है। वहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन था जिस तरह का डब्बा बना हुआ था वहाँ पे लिखा था कि आपके पास मतलब फ़ोन नंबर पे की कोड है वो आप लिखें, मैंने वो लिखा, फिर साथ ही ऐसा सुखा था भी आपके एक ईमेल में जो एक पासवर्ड है वो भी लिखी, ठीक है। इसका एक मिनट का टाइम होता है, एक मिनट के अंदर जो है आपने वो पासवर्ड इसका लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरह करके आप इसमें साइनअप करेंगे, ठीक है। अब मैं साइनअप कर चुका हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करें, ठीक है। अब मैं साइन इन कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सिंपल अपना जो आईडी कार्ड नंबर है वो लिखता हूँ मैं, ये मैंने अपना यहाँ पे आई कार्ड नंबर लिखा। अब यहाँ पे जो पासवर्ड था जो मैंने सजेस्ट किया था कि मुझे यही पासवर्ड चाहिए, ठीक है, कोई वो पासवर्ड था वो ये वाला था, ठीक है। देखें ये काफ़ी टफ सा पासवर्ड था तो ये वाला जो पासवर्ड था ये मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ इसको साइन इन, ठीक है, एंड देन मैं इसको यहाँ पे करता हूँ सेव एक्टिव, चलिए इसको हम एक्टिव कर लेते हैं।
एप्लीकेशन डेट स्टेटस भी ठीक है, उसको गया इसको हम डन कर देते हैं, जांच करवाते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इस तरह का जो पेज था वो ओपन था, ठीक है। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं अप्लाई किया, ठीक है। अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें किया है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसका तरीका मैंने आपको बता दिया, प्रूफ मैंने दिखा दिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपका पासवर्ड होगा और ईमेल होगी, ठीक है। अब जो पासवर्ड है आपने यहाँ पर ई मेल वाला नहीं देना है, पासवर्ड आपने जैसे भी पासवर्ड मतलब कोई मुश्किल से आप लिखना है और ऐसा पासवर्ड आपको किसी का आपको लिख लिया मतलब उसमें स्टार हैच वगैरह वगैरह बोल जाते हैं, ठीक है। अब देखें, अब हम यहाँ पर सिंपल क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ फॉर एहसास प्रोग्राम पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें अप्लाई करने के, ठीक है। तो देखें अब इसको यहाँ पे वो कह रहा है कि रीजन स्ट्रक्चर एंड इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, मतलब आप तमाम जो चीज़ें हैं वो ध्यान से पढ़ें, ठीक है। इसका जो है सेव एप्लीकेशन फॉर एनी एडिटिंग, मतलब आप इसको सेव कर सकते हैं कि आप उसमें बाद कुछ एडिट कर सकते हैं, ठीक है। वंस द एप्लीकेशन सबमिटेड डाटा विल नॉट बी एडिटेबल, मतलब अगर आप इसको सबमिट ना करें, सबमिट करने से पहले आप इसको सेव कर लें, ठीक है। सेव करने के बाद आप इसकी दफ़ा पढ़ें, पढ़ने के बाद इसको आप सबमिट करें। अगर आपने सबमिट कर लिया फिर इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ वंस द एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड, मतलब एक दफ़ा आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लिया, यू विल डाउनलोड इट फ्रॉम माई एप्लीकेशन, मतलब आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं माई एप्लीकेशन से, ठीक है। एंड हार्ड कॉपी जो है आपकी वो भी आपको मिल सकती है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ नेक्स्ट, यानी कि इसकी अब टाइटल यहाँ पे क्या आपका, ठीक है। अभी आप क्या है, मतलब मिस्टर एंड डॉक्टर एंड मिसेज जो भी है, ठीक है। मैं यहाँ पे मिस्टर हूँ, ठीक है। उम्र यहाँ पे मेरा नाम मैंने लिखा, मिडिल नेम मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फारूक यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। जेंडर मेल, ये देखें मेल फीमेल एंड अदर, तो मैं यहाँ पे मेल कर रहा हूँ, ठीक है जी। मैरिटल स्टेटस मतलब मैं सिंगल हूँ, ठीक है। रैप शादी तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और डिवोर्स है तो आप इस पर लिखिए, और आप लड़की हैं तो सॉरी विधो हैं मतलब देवा हैं तो आप यहाँ पे लिखें, ठीक है। इस तरह के एंड यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखिए, तो मैं लिख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ। पहले सबसे पहले हम एज चेंज करते हैं, ये फिर क्या 19 सबसे पहले उसकी एज चेंज करना होगा। एज चेंज करने के लिए हम 90 वाली सीरीज में आते हैं, 1999 एंड ये दिसंबर एंड ये 15, ठीक है। ये सब जो मैंने डेट ऑफ बर्थ अपने लिखी, उसके बाद एज यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरी आ चुकी है 21 साल एंड कंट्री ऑफ बर्थ जो है वो मेरी किस मुल्क की पैदाइश है, ऑफकोर्स हम पाकिस्तानी, यहाँ पे किधर पाकिस्तान। जब फिर गुम हो गया यार, ये पाकिस्तान है, ठीक है। और यहाँ पे रिलीजन कौन सा है, अल्हम्दुलिल्लाह या मुस्लिम इस्लाम से, ठीक है। एंड जो भी आपका वो है मज़हब आप क्रिश्चियन है वो आप सही जवाब लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड डोमिसाइल पर भी जिस सूबे का आपका डोमिसाइल है तो हम लोग पंजाब पंजाब के हमें लिखिए, ठीक है। डोमिसाइल सिटी किस सिटी का है, तो पंजाब के जो है जिस भी डिस्ट्रिक्ट है जिस भी सिटी का है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं लेट्स सपोज यहाँ पर चूज़ करता हूँ के सीरीज, ठीक है जी। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, अब अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट मतलब आपका ज़िला कौन सा है, ठीक है। तो जो ज़िला है वो आप यहाँ पे ढूंढ के अपना जो भी ज़िला आपका बनता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, ठीक है जी। अब फादर इन्फॉर्मेशन, फादर के बारे में आपने लिखना है, फादर के यहाँ पे अपने नेम लिखना है, यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर लिखना है, फादर का स्टेटस लिखना है कि मतलब अलाइव है या अल्लाह खुदा नखास्ता वो बहुत हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे अपने एक पोस्टल एड्रेस लिखना है, पोस्टल मेलिंग पोस्टल एड्रेस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे अपने कंट्री की बताना है, यहाँ पे अपने सिटी बताना है, यहाँ पे अपने एड्रेस लिखना है अपना, ठीक है। मेलिंग एड्रेस है मतलब आपको कोई पोस्ट वगैरह की जाए तो आप तक पहुँच जाए, ठीक है जी। नेशनलिटी यहाँ पे अपने नेशनलिटी इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर अपना, यहाँ पे आईडी कार्ड लिखना होता है, टाइप कंट्री, ठीक है। मतलब ये सारा कुछ मेरे पहले से ही लिखा हुआ है, आईडी कार्ड में नंबर लिखा हुआ है, CNSE है, ठीक है, पाकिस्तानी नंबर, ठीक है, ये भी हो गया। अब सिंपल यहाँ फादर का जो है वो नेम नंबर स्टेटस एंड लिखते हैं, ठीक है जी। फादर का चले नाम लिखते हैं, फिर यहाँ पे आपने अपना फादर नेम लिखना है, यहाँ पे अपने जो फादर साहब उनका आई कार्ड लिखना है, चलिए वो भी लिख देते हैं हम। फिर यहाँ पे उन्हें अपने फादर साहब का आई कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अपने स्टेटस लिखना है कि वो जिंदा है या अभी डेथ हो चुकी है, तो ये लिखने के बाद आपने फादर से पूछें मतलब आपके जो फादर साहब हैं वो करते क्या हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है केमिस्ट फौरन ये वो, अगर आपके फादर इनमें से कुछ और हैं, जूलॉजिस्ट सिस्टम सिग्नल स्कूल नर्स के इंटरप्रेटर रेस्क्यू टीचर, मतलब जो भी आपके फादर साहब यार यहाँ पे हैं वो आपने लिख देना, ठीक है। हेल्थ केस मैनेजर या कोई लिखने और ऑप्शन, करंट एम्प्लॉयड, अकाउंट कलेक्टर, एडवर्टाइजमेंट, इतने सारे यहाँ पे हैं। कोई भी अपना जो भी आपके फादर साहब काम करते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। बेटर अपील दे रहे पर चल रहे यार, मैं बस ये लिख रहा हूँ, हार्ड डायरेक्टर पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता, पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है।
और यहाँ पे मेलिंग जो है अपने कंट्री लिखना, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ताकि आप गूगल सिटी किए जाए तो आप यहाँ पे लिख सके उसको, ठीक है। कंट्री आपने अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद सिटी, जिस सिटी में भी आप रहते हैं वो आपने सिटी चूज करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, ठीक है जी। तो ये मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है। आप पोस्टल कोड, ठीक है, आपका जो इलाके का पोस्टल कोड है, ठीक है, वो जो आपने नेट से चेक कर लेना, अपने जो घर के करीब भी जो भी आपकी तहसील बनती है या जो भी चीज़ बनती है, ठीक है, उसका जो है वो पोस्टल कोड आपको एक दफ़ा नेट से सर्च करना पड़ेगा और वो जो है आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब जो मैं अपने इलाके का पोस्टल कोड है वो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे बल्कि आपको ढूंढना पड़ेगा जी, ठीक है। चलिए यहाँ पे यार कोई भी कोड जो भी आपके इलाके का है वो आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। मैं बस वैसे लिख रहा हूँ, एक फर्जी है, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है अपना जो है वो पोस्टल एड्रेस वो आपने यहाँ पे लिखना है, मतलब वो एड्रेस, जब एक ऐसा एड्रेस यहाँ पे लिखें, अब ये यहाँ पे ये परमानेंट या एक परमानेंट एड्रेस होता है, एक मुस्तकिल पता है, एक आरदी पता, ठीक है। तो आपने इस जगह मैंने पढ़ना, आपने जो है वो एड्रेस देना है यहाँ पे, जिस एड्रेस पे अगर आपको कोई मेल की जाए तो आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पे मैं अपना जो एड्रेस है वो लिख देता हूँ, बाकी मेरे सारे कुछ यहाँ पे वो पड़ा, यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं आप यहाँ पे एक तस्वीर लगाएं अपने, ठीक है। एंड यहाँ पे आपने जो अपने जब सारी इन्फॉर्मेशन आप दे लेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है आपने इसमें क्या करना है, अपनी एक तस्वीर लगानी। तस्वीर लगाने का तरीका जो है आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है, और जो भी आपके पास आपकी जो तस्वीर पड़ी है, ठीक है, मेरे पास और कुछ अवेलेबल नहीं है, मैं बिल्कुल एक छोटी सी तस्वीर लगा रहा हूँ, मतलब 100 KB के साइज 100 से भी कम है, ठीक है। अभी मैं सेव करता हूँ, देखिए करके आपकी यहाँ पे एक पिक्चर लग जाएगी, ठीक है। और देन ये सब कुछ लिखने के बाद जो है हमने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना, यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो देखिए हमारे पास मतलब हमारा जो लेवल नंबर 2 है ये हमारे पास ओपन होता है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल मेरी होगी, यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल की बात करेंगे, ठीक है। एकेडमिक लेवल मतलब पूछ रहे हैं आपने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट के, यहाँ पे आप नाम लिखें, पासिंग ईयर लिखें, मंथली फीस कितनी थी आपने स्कूल की, टोटल मार्क्स कितने थे, आप कितने मार्क्स आए, ठीक है, ये लिखना आपने यहाँ पे। सेकेंडरी स्कूल मतलब मैट्रिक का। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट मतलब यहाँ पे बार यहाँ पे अपने एफएससी के स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने पासिंग ईयर लिखना है, यहाँ पे रिक्वायर्ड आपने सॉरी यहाँ पे जो मंथली फी थी वो कितनी थी, एंड यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने थे और आपके कितने मार्क्स आए आपने ये लिखना है, ठीक है। एंड देन करंट आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या किस उसमें आपने एडमिशन लिया, ठीक है, किस डिसिप्लिन में लिया, ठीक है। तो चलें हम जो है अभी इसको फिल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्कूल का नाम लिखते हैं, ठीक है। जो पासिंग ईयर था, जो मैट्रिक जो पासिंग ईयर था वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो 16 मैट्रिक थी एंड मंथली फी थी लेट्स सपोज मान लीजिए यहाँ पे 1500 फीस थी, ठीक है। और टोटल मार्क्स हमारे पास मैट्रिक में 1100 में से मैंने हासिल किए, लेट्स सपोज आप लिखते हैं आपने यहाँ पे लेट्स सपोज के 900 नंबर आ गए, ठीक है। और यहाँ पे अब उसका स्कूल का नाम मांग रहे हैं जो आपने जहाँ से एफ एस सी की, आपने पासिंग ईयर मांग रहे हैं, पासिंग ईयर हम यहाँ पे लिख देते हैं 2018। फी यहाँ पे थी, चले सरकारी स्कूल था तो फीस इसकी हम कर देते हैं 100 और टोटल मार्क्स थे इसके 1100 और यहाँ पे लेट्स सपोज आप कहते हैं जी आपने 850 नंबर लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे स्कूल का नाम लिख देते हैं, और स्कूल का नाम जो था मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पासिंग ईयर भी होकर, ठीक है। करंट एजुकेशन आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैं बागनगर मुल्तान से पढ़ रहा हूँ, डिग्री लेवल जो है मेरा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, ऑफकोर्स डिसिप्लिन मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे फिजिकल साइंस चले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सब डिसिप्लिन प्रोग्राम ड्यूरेशन करंट सेमेस्टर, सब डिसिप्लिन जो आपने लिख देना है कि अप्लाइड केमिस्ट्री चल लिख दें यहाँ पे जो भी है। प्रोग्राम ड्यूरेशन जो हमारे पास 4 साल की है, मतलब यहाँ पे आप लिखना है डिसिप्लिन मतलब आप किस डिसिप्लिन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर मतलब आप लिखते हैं मतलब फिजिकल साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी आप करें, ठीक है। अप्लाइड केमिस्ट्री आप लिख रहे हैं, यहाँ पे बी एस केमिस्ट्री, यहाँ पे अप्लाइड केमिस्ट्री, जिस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे करंट सेमेस्टर जो है पहला, ठीक है, ओके हो गया। अब यूनिवर्सिटी REG रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे जो आपका जो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये तो हमारे पास यहाँ पे थर्ड नंबर पे है फैमिली इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फैमिली इन्फॉर्मेशन जो आपने अपने बारे में यहाँ बताना है, सबसे पहले अपने फादर के बारे में लिखना है यहाँ पे कि वो अलाइव हैं या उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। एंड तहसील कौन सी है आपने, ठीक है, यहाँ पे वो लिख रही है। यहाँ पे फैदर जो फादर प्रोफेशन है मतलब वो क्या करते हैं, कमाते हैं, अर्निंग करते हैं, यहाँ पे अर्निंग लिख दें, ठीक है। और नहीं कमाते फिर नॉट अर्निंग लिख दें, ठीक है। एंड यहाँ पे आप इफ़ नॉट अर्निंग तो बताएं भी क्यों नहीं करते कमाई, वो फिजिकल डिसेबल हैं, एज दे रिटायर्ड हैं, कुछ और काम करते हैं, ठीक है।
एंड फाइनेंशियल सपोर्ट अदर देन फैमिली फादर इनकम, अगर आपके अप्पू के अलावा कोई और बंदा काम करता है ठीक है, आपको फैमिली सपोर्ट है तो आपने वो यहाँ पे लिखनी है ठीक है। और इतने यहाँ पे अपने मदर के बारे में लिखना है कि आपकी मम्मी वो जो है, अपनी अम्मी का जो नेम लिखना है आपने ठीक है, अपनी अम्मी का आईडी कार्ड नंबर लिखना है आपने ठीक है, उनके बारे में लिखना है कि वो जिंदा है कि उनकी डेथ हो गई ठीक है। देन यहाँ पे आपने जो है इंफॉर्मेशन लिखनी है आपके जो स्टूडेंट CNS एक्सपायरी डेट, मतलब जो आपका आईडी कार्ड नंबर है उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो क्या है ठीक है, सॉरी आपका आईडी कार्ड है उसकी एक्सपायरी डेट, मतलब आईडी कार्ड के ऊपर हमारे एक एक्सपायरी डेट होती है वो आपने यहाँ पे लिखनी है ठीक है। अब यहाँ पे अपने फैमिली इन्फॉर्मेशन लिखनी है ठीक है, आपके टोटल फैमिली के मेंबर कितने हैं, टोटल अर्निंग मेंबर कितने लोग कमाते हैं, आपके भाई कितने हैं आपके ठीक है, आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर कितने हैं, मतलब जो डिपेंडेंट करते हैं ठीक है, मतलब जो डिपेंडेंट है आपके फादर पे ठीक है वगैरह वगैरह। स्टडिंग फैमिली मेंबर मतलब जो आपके घर में बच्चे पढ़ रहे हैं ठीक है, आपकी बहनें कितनी हैं आपने वो लिखना है यहाँ पे ठीक है। एंड यहाँ पे आपने फैमिली इनकम लिखनी है ठीक है, मतलब आपकी जो फैमिली की टोटल इनकम है वो कितनी है ठीक है, उसके बारे में आपने बताना है ठीक है। एंड यहाँ पे बताने के बाद या मतलब ऐड मोर पे करेंगे तो आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, येस और नो ठीक है, या मतलब यहाँ पे कितने पैसे कमाते हैं इस तरह के आप यहाँ पे लिख देते हैं ठीक है। और इनकम फैमिली सोर्स ऑफ इनकम आपने यहाँ पे बताना है कि मतलब आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अगर आप एक बंदा कमा रहा है तो आप उसके बारे में ठीक है यहाँ पे लिखें, और अगर आपके एक से ज़्यादा मतलब बंदे कमा रहे हैं तो मतलब आप उसके बारे में फिर यहाँ पे ऐड मोर कर सकते हैं कि मेरे भाई भी काम करते हैं उसकी इतनी इनकम है वगैरह वगैरह ठीक है। तो इस तरह करके आपने इस फॉर्म को फिल करना ठीक है। तो चलिए मैं अभी आपको ये फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ। एंड जनाब यहाँ पे फैमिली इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो है आपने एक्सपेंडिचर पे आ जाना ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास जो भी हमारे खर्चात होते हैं महीने के उसके बारे में पूछ रहे हैं, मतलब करंटली जो आप करंट मंथली आपके एजुकेशन एक्सपेंडिचर थे मतलब कितने थे ठीक है, मतलब आपके एक महीने में खर्चात कितने थे ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिखने हैं ठीक है। यहाँ पे सबसे आप पहले अपने यहाँ पे नेम लिखना है, उसके बाद रिलेशन लिखना है, मतलब क्या रिलेशन है आपका, जो भी बंदा आपकी जो फी वगैरह पे कर रहा है आपकी अम्मी अबू जो भी है ठीक है, ओपन ठीक है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट मतलब आप किस इंस्टीट्यूट में जो है आप काम पढ़ रहे हैं ठीक है, यानी कि टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट कौन सा है, पब्लिक सेक्टर है प्राइवेट है, मतलब यहाँ पे आपने जो अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है ठीक है। और यहाँ पे अपने जो क्लास सेमेस्टर जो भी आप क्लास कर रहे हैं, जो भी आपका सेमेस्टर चल रहा है ठीक है, वो आपने आप लिखना है। यहाँ पे आपने जो है मंथली एजुकेशन एक्सपेंडिचर मतलब आपके महीने के जो अखराजात है उसके आपके स्टडी के जो अखराजात हैं वो कितने आते हैं ठीक है, कितने आपकी मतलब फाइनेंस वगैरह लगते हैं, तो वो आपने जो है वो यहाँ पे लिखना है ठीक है। एंड देन यहाँ पे अगर आप सेल्फ एजुकेशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे लिखना, मतलब अगर आपका जो महीने सेल्फ बेस है तो मतलब उस पर कितना खर्चा आ रहा है वो आपने यहाँ पे लिखना है ठीक है। अब हमारे पास है मंथली फैमिली एक्सपेंडिचर ठीक है, मतलब फैमिली के बारे में बताना है कि एवरेज जो है टेलीफोन का जो बिल है आपका वो कितना आता है, एंड इंटरनेट बिल आपका अगर घर में आपका लगा हुआ तो वो लिखें, अगर आपके घर में टेलीफोन नहीं लगा हुआ तो मतलब आपने सिंपल बता देने का हमारा 1000 रुपये का बैलेंस रख दिया ठीक है, लेट्स सपोज इतना लिख दिया आप ठीक है। एवरेज इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ लास्ट 6 महीने 6 महीने का बिल एवरेज निकालें आप ठीक है, मतलब कभी 2000 आ गया 2500 आया कभी 3000 आया, तो आप मैक्सिमम बस लिख दें आप सिंपल कि 2500 रुपये आता है बिल महीने का ठीक है, इस तरह का जो भी आपका आता हो ठीक है। इस तरह अपने गैस बिल की एवरेज लिख देनी है, एवरेज ऑफ वाटर बिल अगर आप मतलब वाटर बिल वैसे ही आप लिखते हैं यार थोड़ा बहुत जो भी होता है, हर जगह वाटर के बिल थोड़ी होते हैं। एंड प्लस यहाँ पे एवरेज मंथली मोबाइल बिल मतलब आपको जो भी फ़ोन का लोड है उसके बारे में आप लिखते हैं, एवरेज फैमिली मतलब टोटल फैमिली के जो खाने पीने के खर्चे होते हैं किचन फूड मतलब ये वाला खर्चा, खाने पीने में अपने कपड़े जितने शामिल करें मतलब खाने पीने का जो भी है सामान वो अपने लिखे ठीक है यहाँ पे। एंड यहाँ पे एवरेज फैमिली मेडिकल मतलब आपके मेडिकल खर्चा कितना आता है, एवरेज फैमिली मिस की एक्सपेंडिचर पता नहीं है क्या, लेकिन आप ये भी थोड़ा बहुत लिख देना ठीक है। एंड यहाँ पे मतलब ये आपके बारे में पूछ रहे कि आप अगर मतलब रिहाइश किस तरह की, आपकी विलेज हाउस है टाउन में रहते हैं अपार्टमेंट है फ्लैट आपका क्या है ठीक है, स्ट्रक्चर बताएं कौन सा स्ट्रक्चर आपका, कच्चा हाउस है या सेमी पक्का हाउस है अदर जो भी है ठीक है। यहाँ पे स्टेटस के बारे में लिखे हैं मतलब अपना खुद का है या फिर कोई इस तरह का कहानी है इस तरीके लिखे ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ बेडरूम कितने आपके घर में ठीक है, टोटल साइज स्क्वायर फीट में कितना आपका, कवर्ड एरिया आपका घर का आपका कितना है ठीक है, नंबर ऑफ एयर कंडीशनर आपने लिखने हैं घर में, अगर ए सी लिखे तो कितने लगे, नंबर ऑफ सर्वेंट कितने मुलाजिम है ठीक है, और मंथली रेंट अगर आपके रहते तो कितना रेंट है उसका ठीक है, इस तरह की आपका जो एड्रेस है आपका आपने वो लिखने घर का ठीक है। अब यहाँ पे जो स्क्वायर फुट स्क्वायर फीट इस तरह होता है मतलब जो आपके घर की लेंथ है ना, मतलब जो प्लॉट होता है आपके घर का ठीक है, मतलब इसकी जो लेंथ होती है और इसकी विड्थ होती है, तो अपने लेंथ एंड विड्थ को मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर जो है वो स्क्वायर फीट में आएगा ठीक है। लेट्स सपोज हमारे घर की जो लेंथ है जिसे हम लेंथ कहते हैं सिंपल वो थी 25 फीट ठीक है, उसकी जो विड्थ थी मतलब वो थी हमारी 40, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर फीट में आंसर आ जाएगा ठीक है। एंड कवर एरिया जो आपका आएगा ये लेंथ वही आपने यहाँ पे लिख देनी है ठीक है। इंटर ओनली नंबर वैल्यू एग्जांपल ठीक है, ओके हो गया ये आपने लिख देना ठीक है जी। और अब यहाँ पे नेट रिजल्ट इनकम लिखी हुई है, मतलब आपने इनकम क्या लिखनी है आपकी
इनकम कितनी है, टोटल मंथली ग्रॉस इनकम टोटल मतलब यहाँ पे आपकी 20,000 मैंने पहले लिखी थी, ठीक है, यहाँ पे 20,000 ही लिखी हुई है। अब आपने ये बात याद रखने की जो आपने पीछे वाले पेज पे छापा मारा था ना, मतलब अगर आपने वहाँ पे 1,00,000 इनकम लिखी थी, जो आपने सारे बिजली बिल वगैरह सारे कुछ मिला के 1,00,000 ही पूरा करना, ठीक है, ये ना पीछे आप बताएं जी हम बहुत गरीब हैं, 20,000 इनकम है, आगे आप बताएं जी हमारे घर में तो 5 AC लगे हुए हैं, तो ये है वो है, तो फिर काम खराब हो जाएगा, ठीक है, तो आपने ये काम नहीं करना, ठीक है। तो ये वाला भी फॉर्म आपको फिल करके बताता हूँ किस तरह करना है। अब देखें जी, एक्सपेंडिचर के बाद हमारे पास ये एसेट्स डिटेल, मतलब जो भी आपकी असाजात हैं इसके बारे में हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, मतलब आपकी जो असाजात हैं वो क्या कुछ हैं। सबसे पहले, डज दी फैमिली ओन एनी ट्रांसपोर्ट, मतलब आपके पास कोई कार शार है तो आप यस करें, अदरवाइज आप नो करें, ठीक है। एंड कैटल डिटेल, डज दी फैमिली, मतलब आप जो घर में, मैंने लिखा था कि हमारे जो घर है मतलब हम लोग जात में रहते हैं, ठीक है, मतलब गाँव, कुछ यहाँ पास गाय भैंसे हैं तो मैं जाकर नहीं, हमारे पास कोई जानवर वगैरह नहीं है, ठीक है। अब एसेट्स की बात कर रहे हैं, मतलब कोई आपको अदर हाउस अगर है तो उसकी क्वांटिटी लिखी है, ठीक है, करंट उसकी वैल्यू कितने लाख रुपए का आजकल बिक रहा है वो, ठीक है, अभी और बिजनेस आप करते हैं उसके बारे में लिखें, और कितने लाख रुपए आप कमा रहे हैं उसकी वैल्यू शैल्यू क्या बोलेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड है तो उसके बारे में लिखे, इतनी हमारी ज़मीन है तो हम इतनी इसकी आजकल कीमत चली, ठीक है। और बैंक बैलेंस अगर आप है तो आप लिखे, हमारा इतना बैंक बैलेंस है और उसमें इतना पैसे पड़े हैं, ठीक है। स्टॉक प्राइस बॉन्ड वगैरह आपको कोई है तो आप वो यहाँ पे बताएं कितने के आजकल, ठीक है। कुछ प्लाट वगैरह है तो लिखे, हाँ जी इतने प्लाट हैं और इतने का हमारे पास वो बिक रहा है आजकल। एनी अदर एसेट्स है कि आपको यहाँ पे लिखे, और यहाँ पे आपने सिर्फ बताना भी इतनी जो मालियत का हमारे पास मौजूद है, ठीक है। डिटेल ऑफ एसेट ऑन लॉस, मतलब ऑन लीज प्लीज स्पेसिफाई, आपने कोई लीज पे लिया हुआ कोई रोला है इस तरह का तो आपने वो भी लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो जो एसेट्स वाली चीज़ है वो आपने इस तरह करके इसको फिल कर देना, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ आपने नेक्स्ट क्या करना है जी। एंड अभी हमारे पास यहाँ पे एक लास्ट स्टेप मौजूद है जिसे हम यहाँ पे लिखे हुए अदर डिटेल, ठीक है। इसमें आपने मतलब लिखना एडमिशन डिटेल के बारे में अपने बताना है, ठीक है, मतलब आपको जिस सेमेस्टर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, और अगर आपने मतलब आप पढ़ रहे हैं आपने मतलब आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड थर्ड जो भी चल रहा है आपने यहाँ पे लिखना है, और जो सेमेस्टर की जो आपने फ़ी पे की है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, मतलब आपने कितनी फ़ी पे की। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैंने यार 20,000 रुपये पे की फीस, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे यू हैव बीन अवार्डेड एनी अदर स्कॉलरशिप, मतलब आपको आज से पहले कभी कोई और स्कॉलरशिप मिली है, अगर मिली है तो आप यस लिखेंगे, ठीक है। यस लिखने के बाद यहाँ पे आपने स्कॉलरशिप की जो नेम बताना होगा, मतलब किस दायरे में थे आप तब, ठीक है। यहाँ पे आपने स्कॉलरशिप का नेम बताना होगा, मतलब किस डिपार्टमेंट की तरफ से, मतलब एहसास प्रोग्राम किस प्रोग्राम की तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिली, यहाँ पे स्कूल का नेम या कॉलेज का नेम, यहाँ पे स्कॉलरशिप का नेम, यहाँ पे टोटल जो आपकी स्कॉलरशिप अमाउंट है वो लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे आप एड मोर करेंगे तो ये बन जाएंगे आपके, ठीक है, यहाँ पे आप लिखने सारा कुछ, ठीक है। या फिर टोटल स्कॉलरशिप पीरियड, मतलब कितने ऐसा तक जो आपको स्कॉलरशिप मिलती रही, ठीक है। एंड देन क्लास, मतलब आप कौन सी क्लास थी, आप 8th में थे, आप 10th में थे, आप 12th में थे, 11th में, मतलब कौन सी क्लास में आपको मिली है, ठीक है, आपने यहाँ पर लिखना है। अगर आपको नहीं मिली तो सिंपली आप बस इसको नो कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट डिटेल के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब आपको किस तरह पता लगा हमारे एहसास प्रोग्राम के बारे में, तो आप किसी रिलेटिव ने बताया, किसी पर्सन से पता लगा, किसी फ्रेंड ने बताया, किसी स्कॉलर प्रोग्राम मतलब कहाँ से पता लगा, किसी पेरेंट से पता लगा आपको, तो मैं यहाँ पे चले आप किसी रिलेटिव कह देंगे, किसी रिलेटिव ने बताया, ठीक है। एंड अब यहाँ पे आपने सिंपली करना क्या है, आपने यहाँ पे बताना कि मतलब मैंने यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सारे ठीक है, ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है सारा कुछ वही लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब मैंने जो भी कुछ बताया मैं इसमें मतलब वो करता हूँ, अग्री करता हूँ सब कुछ है, ठीक है। फिर अगर मैं कुछ झूठ बोलता हूँ तो आप मतलब आप लोग इस बात के वो हैं कि आप जो मेरी एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे वो है। तो बस आपने सिंपल इसको ना इस तरह करके आपने इसको टिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन है, प्रीवियस, सेव एंड क्लोज एंड सबमिट। प्रीवियस से मुराद हम पिछले वाले पेज चले जाएंगे, सेव एंड क्लोज मतलब आप इसको भी सेव कर लें, इसमें अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ आप कंफर्म करके इसमें लिखना चाह रहे हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसमें ये भी अभी सबमिट कर दिया तो जो कुछ आपने लिखा हो वही आपका फाइनल हो जाएगा, आपका आई डी कार्ड नंबर हर चीज़ उनके पास चली जाएगी, फिर आप इसमें एक जो स्पेलिंग है वो भी चेंज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो अभी बेहतर तो यही है कि इन्होंने भी हमें पहले इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप इसको सिंपल सेव एंड क्लोज करें, सबमिट इसको भी ना करें, ठीक है। एक दिन आप इसको देखें, इसको पढ़ें अच्छी तरह, एंड अपने मतलब कोई इन्फॉर्मेशन आपने गलत दी या कोई कन्फ्यूजन है तो आप मतलब हमसे ही पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, कोई भी अपने घर के बारे में कुछ इस तरह की कोई भी चीज़ आपको मतलब इशू कर रही है तो आप उसको अभी सेव एंड क्लोज कर लें ताकि आप उसको बाद में एडिट करके सेट कर सकें, ठीक है जी। अदरवाइज आप इसको सिंपल सबमिट करें और इसको अपने फॉर्म को जो आप मतलब जमा करा दें, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी। अभी भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और उसके साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है,
आप उस लिंक के थ्रू हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो ज्वाइन करें, उसमें डेली बेस बेस तरह की बहुत सारी पोस्ट होती हैं जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।